हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऐसे मल्टीवैगर पेनी स्टॉक की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर लगभग 38% तक के रिटर्न नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां आज के दिन की अगर बात करें तो 20% की वो ज़बरदस्त तेज़ी है, जिसके अंदर मार्केट के ऊपर सबसे टॉप पर आज ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सबकी नज़रों में भागने वाला ये शेयर जिस हिसाब से 20% तक की तेज़ी के साथ आज की डेट में भाग रहा है ना, वो सब ने देख लिया है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि एक महीने के अंदर जो फुर्ती शेयर ने दिखाई है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा दमखम है। और कहाँ से चला है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये शेयर प्राइस है पूरे के पूरे 6 महीने का, और यहाँ अगर आप देखें तो ये 20 जून को इसका जो शेयर प्राइस था 107 रुपये था, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ काफ़ी टाइम से ये इस रेंज में गया नहीं था। और उसके बाद जो गिरावट शेयर के अंदर आई, उसको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से इस साल जो गिरावट रही है, और वहाँ से अब ये शेयर संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो फुर्ती और तेज़ी शेयर के अंदर है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर दमखम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ डी लिंक इंडिया लिमिटेड की, जिसने लगभग, आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक साल के अंदर आप देख पा रहे हैं कोई बड़े रिटर्न नहीं दिए। लेकिन चार्ट को अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर तेज़ी आती है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो फुर्ती इसने एक महीने के अंदर दिखाई है, उससे आप ये बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, इस शेयर में बहुत अभी दमखम है। मैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डी लिंक इंडिया क्या काम करती है, और होपफुली आपके पास उसका वाईफाई भी होगा। इस हिसाब से कंपनी की जो प्रेजेंस है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और नेटवर्क है, वो बहुत ज़्यादा है, और उसी हिसाब से इस कंपनी के अंदर कभी भी तेज़ी आ जाती है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपको आने वाले टाइम में कभी भी ये शेयर सरप्राइज कर सकता है। नेटवर्क प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं, और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इस समय वेल एजुकेटेड हैं और ये जानते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी क्या करती है। और तभी भी मैं उम्मीद जताऊंगा कि एक बार आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ अगर मार्केट कैप की बात करें तो आपको मार्केट कैप लगभग 587 करोड़ की दिखाई दे रही है। 200 रुपये की फेस वैल्यू है, और 105 रुपये का इसका लो है, और 195 रुपीज़ का इसका हाई है। यानी कि अपने लो से हाई तक जाने के लिए इसने लगभग 90% तक के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। और अभी जिस हिसाब से करंट प्राइस पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक महीने पहले 107 रुपये का था, वहाँ से लगभग 165 रुपये इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चार्ट को देखें तो कभी भी इस शेयर के अंदर उतार चढ़ाव वाली जो उम्मीद है वो देखी जा सकती है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी के अंदर आप देखेंगे, अगर बिजनेस जनरेट होता है 4 रुपये का, तो वो 4 रुपये चार्ट के ऊपर जिस हिसाब से भागते हुए नज़र आते हैं, वो बहुत तेज़ी दिखाते हैं। अपने सेगमेंट के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, और वहीं HCL इंफो सिस्टम और AGS ट्रांसमिशन को अगर आप देखें तो वो टॉप 1 और टॉप 2 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको ये समझ आएगा कि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ भागती हुई नज़र आ रही है, और उससे पहले इसने पहले क्वार्टर के अंदर 12 करोड़ रुपए का रिटर्न जनरेट किया था नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर इन 4 क्वार्टर को आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर ईयरली वाई ग्रोथ की बात करें तो आपको यह समझ आएगा कि कंपनी किस हिसाब से पिछले 3 साल से जिस हिसाब से नेटवर्क की जो डिमांड है उसको देखते हुए प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पिछले 3 साल का डाटा है, जिसके अंदर 29 करोड़, 40 करोड़ और 48 करोड़। ये जो डिक्लाइन आता हुआ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो कोविड वाला टाइम है जब डिक्लाइन आया था। लेकिन कोविड में अगर आप समझे तो नेट की बहुत ज़्यादा यूज हुई थी। नेट लोगों ने भर भर के यूज़ किया, क्योंकि और तो कोई दूसरा काम बचा नहीं था। और यही रीज़न है कि इस समय
फिर उसके बावजूद भी शायद मे भी हो सकता है क्योंकि कोई चीज़ें खरीदी कम गई और सिर्फ जो चीज़ थी उसी को यूज़ किया गया, और यही रीज़न है कि इस समय थोड़ा सा कम प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ये शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला शेयर है। जहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 4-5 साल का डाटा कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है।